फ्रेंड, जब भी आप कभी किसी लोन एप्लीकेशन से लोन ले लेते हो तो फ्रेंड्स आपकी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है, जो आपकी गैलरी होती है, ठीक है फ्रेंड्स, और इसके अलावा फ्रेंड्स आपकी लोकेशन जो होती है, ठीक है फ्रेंड्स, और इसके अलावा भी फ्रेंड्स आपके जो मैसेज होते हैं, मैसेज की हिस्ट्री होती है, ये सभी फ्रेंड्स लोन लोन एप्लीकेशन के पास ये चले जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आपको पता होगा ये आपको परमिशन देनी पड़ती है, ठीक है, और आपके जो भी आपकी डिटेल होती है सभी डिटेल इनके लोन एप्लीकेशन के पास चली जाती है। इससे फ्रेंड्स ये होता है कि जब भी आप कभी लोन आप पे नहीं कर पाते हो, यानी कि आप लोन नहीं भरते हो टाइम पर, तो फ्रेंड्स ये आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट पर कॉल करके बताते हैं कि आप डिफॉल्टर हो, आप लोन पे नहीं कर रहे हो। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि फ्रेंड्स जो आपने काफ़ी सारे यूट्यूब पर वीडियो देखे होंगे जिनमें बताया गया है कि आपकी लोन एप्लीकेशन से आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट आप कैसे डिलीट कर सकते हो, मैंने भी इस पर वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप आज इस वीडियो मैं आपको प्रूफ बताऊंगा कि जो भी आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है वो कभी भी डिलीट नहीं होती। इसका मैं आपको कंप्लीट यहाँ पर लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ। तो आपको वीडियो कंप्लीट लास्ट तक देखते रहना है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना है। तो फ्रेंड्स वीडियो को शुरू आपने करते देखा हैं। होगा अभी प्ले स्टोर पर एक नया फीचर अपडेट हुआ है जिसमें फ्रेंड्स आप किसी भी लोन एप्लीकेशन को यहाँ पर सर्च करते हो और ट्राई करते हो तो आपको दिखाया जाता है कि आपकी जो भी डिटेल है, ठीक है, आपके यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल है या आप जो भी यहाँ पर जो प्रोवाइड कर रहे हो, जो भी आप डिटेल प्रोवाइड कर रहे हो, वो आपके यहाँ पर आपका जो डाटा है वो आपका डिलीट नहीं होगा। कंप्लीट वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, आप अपने स्क्रीन पर इसका प्रूफ भी आप देख पा रहे हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, आप जब भी किसी वीडियो में देख रहे हो कि आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट या आपकी प्राइवेसी, आपकी जो प्राइवेट डिटेल है उसको आप डिलीट कर लेते हो आप घर बैठे अपने मोबाइल से, तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता है। आप लोन एप्लीकेशन के पास से आप अपनी डिटेल को यहाँ पर डिलीट नहीं कर सकते हो, क्लियर है। पर फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको ये प्ले क्लियर कर देता हूँ, फ्रेंड्स जब भी आप किसी लोन एप्लीकेशन लोन लेते हो उसको आप टाइम टू टाइम पेमेंट करते हो तो फ्रेंड्स आपके उस डिटेल के साथ मिस यूज नहीं होता है। और इसके अलावा फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ, कोई फेक एप्लीकेशन होती है तो फ्रेंड्स वो आपकी डिटेल किसी अदर एप्लीकेशन को शेयर जरूर करती है, इससे आपको यहाँ पर काफी नुकसान होता है और आपकी जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल है वो किसी अदर एप्लीकेशन के पास यहाँ चली पर मैं आपको जाती ये है। बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी जो भी कॉन्टैक्ट लिस्ट है, आपकी जो आपका डाटा होता है आप लोन एप्लीकेशन के पास में, उसको आप घर बैठे अपने मोबाइल से डिलीट नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसका मैंने आपको कंप्लीट प्रूफ दिखाया है और आप चाहते हो तो आप खुद भी इसको आप प्ले स्टोर में जाकर के ट्राई कर सकते हो, प्ले स्टोर में आपको इसका प्रूफ दिख जाएगा। और यहाँ पर प्ले स्टोर के नीचे आप जैसे किसी एप्लीकेशन को यहाँ पर सर्च करते हो उसके नीचे आपको इस तरह से देख पर उस तरह का बॉक्स होता है जिसमें क्लियर आपको मेंशन किया हुआ होता है, आपको बताया हुआ होता है साफ साफ कि यहाँ पर आप इसको आपकी जो प्राइवेसी डिटेल है, ठीक है, आपकी जो डिटेल इसको आप डिलीट नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसलिए आपको फ्रेंड्स आप जो भी जानकारी या डिटेल आप दे रहे हो, जो आपका डेटा दे रहे हो फ्रेंड्स, वो आपको यहाँ पर सही एप्लीकेशन को देना है, किसी रॉन्ग एप्लीकेशन पर आपको लोन के लिए अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। इससे आप यहाँ पर आप अपने डाटा को सुरक्षित रख पाओगे और आपको कभी भी कॉल आने की या फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो आपको धमकी भरे मैसेज आते हैं वो भी आपको कभी नहीं आएंगे। आपको रियल एप्लीकेशन को चूज़ करना है, इनसे आपको लोन लेना है अगर आपको ज़रूरत हो तो, ठीक है। फेक एप्लीकेशन को आपको कभी भी ट्राई मैंने नहीं यहाँ पर करना है। क्लियर कर दिया है कि फ्रेंड्स आप अपने डेटा को आप किसी लोन एप्लीकेशन पास से डिलीट नहीं कर सकते हो आप अपने मोबाइल से। तो फ्रेंड्स मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा था ताकि आपको यहाँ पर कंप्लीट प्रूफ पता चल जाए और आप भी यहाँ पर ये फालतू की जो कोशिश है इसको अपना करो। और फ्रेंड्स मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, फ्रेंड्स आपको कोई गलत या फेक एप्लीकेशन होती है उसको आप ट्राई नहीं करना। फेक एप्लीकेशन को आप कैसे पता लगा सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स जो फेक एप्लीकेशन होती है वो आपको सिर्फ 7-8 दिन के लिए लोन देती है और काफ़ी ज़्यादा हद से ज़्यादा आपसे इंटरेस्ट चार्ज करती है, ठीक है। इन एप्लीकेशन से आपको कभी भी लोन नहीं लेना है और आपका जो भी डेटा होता है, आपकी डिटेल होती है, उनको प्रोवाइड नहीं करनी, चाहे आधार कार्ड की डिटेल हो, पैन कार्ड की डिटेल हो, कुछ भी डिटेल हो, आपको इनको प्रोवाइड नहीं करनी है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपकी काफ़ी हेल्प हुई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, अगर आपकी हेल्प हुई है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स आपके फ्रेंड्स के साथ इन वीडियो को जरूर आप शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो फ्रेंड्स अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।